हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहला सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, मैंने बता दिया आपको, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से हम सिस्टम पे काम कर पाते हैं, यानी इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आजकल जो यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडो है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाते। जैसे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS जो मैंने लिख रखा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर मैन्युफैक्चरर जो कम सिस्टम के होते हैं वो बनाते हैं। ये बहुत कॉस्टली होते हैं और इनबिल्ट होते हैं। जैसे हम फ़ोन खरीदते हैं तो उनमें ऑलरेडी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, या हम कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, टैब खरीदते हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर है पहले से वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे एप्पल के फ़ोन में iOS होता है, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन तुमने सुना होगा, उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह से कंप्यूटर की बात करें, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो यूनिक्स होता था, या डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और आजकल विंडो। जैसे विंडो के बहुत वर्जन आ चुके हैं आजकल की अगर हम बात करें तो, थोड़े पुराने की तो विंडो 3 है, फिर 2003, फिर 7 है, 8 है, 10 है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो के वर्जन है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए हेल्पफुल है। खाली सिस्टम सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता है। अगर कोई एप्लीकेशन पे हमने काम करना है तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम में डालना पड़ेगा। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग हो सकते हैं, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स की या सॉफ्टवेयर की, तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम कह सकते हैं आजकल जो यूज़ होता है वो MS वर्ड है या ओपन ऑफिस राइट है। इसके अलावा पहले जैसे वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार यूज़ होते थे, ये पहले यूज़ होते थे, लेकिन सारे ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स का मतलब है एक्सेल, इसमें कैलकुलेशन वगैरह, फार्मूलाज, चार्ट वगैरह बन सकते हैं। तो MS एक्सेल इसका एग्जाम्पल है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो सारे, जैसे पावर पॉइंट है जिनमें प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, जो डाटा है उसको इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट टाइप है, पहला सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो हैं जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं काम, अलग अलग तरह के काम। जैसे सिस्टम को हम मेंटेनेंस अगर करनी है, हमने जो बेकार फाइलें हैं उनको हटाना है, या डाटा को कंप्रेस करके स्पेस बनाना है डिस्क में, तो उसको हम मेंटेनेंस वर्क बोलते हैं, या फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव करते हैं उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे डाटा कंप्रेशन है प्रोग्राम्स, वो डाटा को कंप्रेस करके, मतलब साइज़ कम करके, और तब सिस्टम में स्टोर करता है। या फिर एंटीवायरस है जो एक्स्ट्रा जंक फाइल्स हैं या फिर स्पैम फाइल्स हैं उनको क्लीन अप करता है। डिस्क क्लीन अप है जो कॉपीड फाइल हो जाती हैं बहुत सारी, उनको क्लीन करता है। या फिर जो ऐप आप, जो एप्लीकेशन आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे उसको भी वो एक साइड कर देता है। बैकअप प्रोग्राम्स, बैकअप तुम सबको पता ही होगा, जैसे बैकअप कोई भी मेन, हम किसी भी चीज़ की एक कॉपी रखते हैं बैकअप के लिए, अगर मेन कॉपी गुम हो जाती है तो दूसरी कॉपी यूज़ कर सकें उस, तो बैकअप प्रोग्राम्स होते हैं आजकल कि हमारा सिस्टम है वो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम बैकअप सिस्टम से फाइलें ले लें, हमारी फाइलें लॉस्ट ना हो, हमारे इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट ना हो। या फाइल रिकवरी प्रोग्राम्स है, आजकल ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे हम कुछ फाइलों को रिकवर भी कर पाते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करते हैं, ये हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।